ऐतिहासिक पल है जब हम यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं बगल में सिंदरी का कारखाना जो यहाँ के लाइफ लाइन था। यह कोयलांचल का क्षेत्र जो देश के विकास में ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी बहुत भूमिका निभाई है, आज देश को आधुनिक बनाने में इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया है। आज पुनः उस सिंदरी के कारखाने को शुरू करने के लिए जो हमारी लाइफ लाइन है चंदनकरी चास बोकारो धनबाद बलिया बलियापुर सिंदरी कांडरा ऐसे तमाम जगहों के जो लाइफ लाइन है आज प्रधानमंत्री जी आज आप सबके बीच में उसका शिलान्यास करने वाले हैं। साथ ही साथ झारखंड को एम्स का स्वागत मिल रहा है, हमारे देवघर में एयरपोर्ट आ रहा है, ऐसे 27,000 से ज़्यादा 28,000 करोड़ रुपये के स्वागत आज झारखंड की धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री के जी के द्वारा यहाँ हमको प्राप्त होने वाला है। इसी अवसर पर मैं पुनः हृदय के अंतःकरण से अपने माँ भारती को नमन करते हुए और देश को पुनः वैभव पर स्थापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर्मशील व्यक्तित्व को प्रणाम करते हुए मैं तमाम लोगों का स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जोहार नमस्कार। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय स्वागत संबोधन के लिए। और अब आ गया है वो अभूतपूर्व लम्हा जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज के शुभ अवसर पर सबसे पहले 4 परियोजनाओं का शिलान्यास होने जा रहा है। 7,000 करोड़ रुपए की लागत से सिंदरी यूरिया कारखाने के पुनरुद्धार का शिलान्यास, रांची शहर में पाइप गैस वितरण परियोजना, देवघर में 1,103 करोड़ की लागत से एम्स तथा देवघर में 441 करोड़ रुपए की लागत से हवाई अड्डे के विकास परियोजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मुबारक हाथों से बटन दबाकर इन चारों परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे हैं। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी इन 4 परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए। और अब इन 4 परियोजनाओं पर आधारित एक ऑडियो विजुअल पर हम नजर डालेंगे। भारतीय किसान सशक्त हो, कृषि आय में बढ़ोतरी हो और ग्रामीण विकास में तेजी आए, इनके प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट जो विगत 15 वर्षों से बंद पड़ा था उसके पुनरुद्धार के लिए जुलाई 2016 से निरंतर कार्यरत है। इसमें 3 महारत्न कंपनियां 7,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। सिंदरी परियोजना से सालाना 12,70,000 टन नीम लेपित यूरिया का उत्पादन होगा। भारत यूरिया खाद के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। झारखंड राज्य का ये सिंदरी कारखाना जहां एक ओर झारखंड वासियों को रोजगार का अवसर प्रदान करेगा, वहीं पूर्वी भारत में आर्थिक विकास और समृद्धि लाने में एक बड़ा कदम साबित होगा। आज दिनांक 25 मई 2018 का दिन झारखंड राज्य के इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। भारत सरकार का मंत्र है सबका साथ सबका विकास। समृद्ध पूर्वी भारत के बिना भारत के विकास की गाथा अधूरी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन से प्रेरित होकर किफायती हरित ऊर्जा स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस को देश के पूर्वी भाग में पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत हल्दिया जगदीशपुर पाइपलाइन पूर्वी भारत को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी। अपने निरंतर और समर्पित प्रयासों से गेल इंडिया लिमिटेड रांची और उसके आसपास के क्षेत्र के हर घर में प्राकृतिक गैस पहुंचाएगी। जैसे हमारे घर में गृहिणी किचन में टैप चालू करते ही पानी आता है, वैसे ही गैस आ जाए इसके लिए ये योजना। इससे अनेक गैस आधारित उद्योग लगेंगे और आर्थिक विकास की नई पहल का शुभारंभ होगा। आज शहर गैस वितरण की इस परियोजना के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास के साथ ही रांची गैस आधारित अर्थव्यवस्था के एक नवीन युग में प्रवेश कर रहा है। एम्स
होम्स देवघर 237 एकड़ क्षेत्र में 1103 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। इसमें 100 सीटों का मेडिकल कॉलेज, 60 सीटों का नर्सिंग कॉलेज, 750 बेड अस्पताल जिसमें 10 स्पेशलिटी विभागों के लिए 320 बेड तथा 10 सुब स्पेशलिटी विभागों के लिए 300 बेड होंगे। इसके अतिरिक्त 30 ट्रॉमा बेड और 30 आयुष बेड होंगे। इस एम्स की स्थापना से झारखंड एवं समीपी राज्य बिहार और पश्चिमी बंगाल की जनता को उच्च स्तरीय सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध हो पाएंगे तथा उन्हें इलाज के लिए दूर दराज के अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। एम्स संस्थान में गुणवत्तापूर्ण MBBS नर्सिंग और स्नातकोत्तर शिक्षा भी उपलब्ध होगी, जिससे आने वाले समय में क्षेत्र में चिकित्सा से जुड़ा मानव संसाधन भी उपलब्ध हो सकेगा। इस परियोजना से आसपास के क्षेत्रों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। संस्थान के सभी भवन पर्यावरण के अनुकूल बनाए जाएंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध देवघर में एक नए हवाई अड्डे के निर्माण की योजना बनाई गई है। ये हवाई अड्डा DRDO झारखंड सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सहयोग से एयरबस 320 किस्म के विमानों की उड़ान के लिए तैयार किया जा रहा है। 600 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस हवाई अड्डे के निर्माण की लागत लगभग 400 करोड़ रुपए होगी। देवघर हवाई अड्डे की विकास परियोजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस ये नया टर्मिनल भवन स्थानीय जनजाति, कला तथा राज्य के पर्यटन स्थलों के माध्यम से इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति को उजागर करेगा। देवघर हवाई अड्डे के विकास से पर्यटकों, विशेष रूप से बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन हेतु आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। हवाई अड्डे के विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा आजीविका हेतु पर्यटन पर निर्भर स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। रांची के बाद अब देवघर हवाई अड्डा भी देश के अन्य भागों से जुड़कर झारखंड के उज्जवल एवं समृद्ध भविष्य के निर्माण में सहायक होगा। और अब इसके बाद झारखंड में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं कितनी फलदायी रही, आइए इस पर एक नजर डालते हैं लघु फिल्म के माध्यम से। हमें संकल्प लेना होगा 2022 तक न्यू इंडिया बनाने का, और ये काम हम खुद करेंगे, देश के लिए करेंगे, पहले से अच्छा करेंगे, पहले से ज्यादा करेंगे, समर्पण भाव से करेंगे। 2022 में भव्य दिव्य हिंदुस्तान देखने के लिए करेंगे। ये सिर्फ चार तस्वीरें नहीं है, बल्कि ये वानगी है नए भारत की, ये वानगी है नए झारखंड की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में झारखंड लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज झारखंड में 13 लाख से ज्यादा महिलाएं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए मुफ्त गैस कनेक्शन और चूल्हा पाकर धुएं की घुटन और जानलेवा बीमारियों से मुक्ति पा चुकी हैं। दिसंबर 2018 तक 35 लाख गरीब बहनों को गैस सिलेंडर और चूल्हा दिए जाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 1,12,00,000 लोगों के बैंकों में खाते खोले जा चुके हैं। सौभाग्य योजना के तहत राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है। दिसंबर 2018 तक राज्य के हर घर को रोशन करने का लक्ष्य तय किया गया है। बात अगर की जाए रोजगार की, तो पिछले 3.5 साल में 31.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। 1 लाख से ज्यादा सखी मंडलों के जरिए 16 लाख से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिल चुका है। स्थानीय नीति के तहत 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, जिनमें से 95% स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया गया है। इसके अलावा अगस्त 2018 तक 50,000 और सरकारी नियुक्तियां की जाएंगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत करीब 14.5 लाख लोगों को 5,430 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। बात अगर करें निजी क्षेत्र की, तो कौशल विकास के जरिए युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाकर अब तक 30,000 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। मैं भी एक गरीब मजदूर परिवार से आया, हमने गरीबी को एहसास किया है,
गरीब की वेदना क्या होती है, और इसलिए मेरा भी जीवन का संकल्प ये जो समृद्ध राज की गोद में जो गरीबी बनती है उस गरीबी को नष्टभूत करना। झारखंड देश का इकलौता राज्य है जहां महिलाओं के नाम पर 50 लाख रुपए तक की जमीन या मकान की रजिस्ट्री सिर्फ 1 रुपए में होती है। अब तक 55,000 से ज्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ ले चुकी हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का प्रथम पुरस्कार मिला है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत राज्य में अब तक 22 लाख शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो चुका है और 2 अक्टूबर 2018 तक पूरे झारखंड को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF करने का लक्ष्य है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के मामले में झारखंड पूरे देश में नंबर 1 है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के मामले में झारखंड के प्रयासों की तारीफ नीति आयोग ने की है। इसके अलावा आज की तारीख में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड पूरे देश में नंबर 1 है। झारखंड सरकार मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र के माध्यम से जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान करती है। 3 साल में 2 लाख से ज्यादा शिकायतें आईं, जिनमें से 87% से ज्यादा शिकायतों का निष्पादन हो चुका है। ये तो विकास का ट्रेलर है। आज झारखंड का कोना कोना विकास की रोशनी से जगमगा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुरूप झारखंड सरकार न्यू इंडिया न्यू झारखंड के निर्माण में जुटी है। और इसके बाद केंद्र सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के लाभुकों के अनुभव हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से। लकड़ी का चूल्हा रहे तो लकड़ी के चूल्हा में धुआं भी होत रहे और आज कल तो आप गैस मिल के लगने तो बहुत अच्छा है गलत कि ऊपर में धुआं नहीं होला और जल्दी खाना पीना सब जल्दी बन जाला। चूल्हा योजना से गैस मिललक चूल्हा मिललक तो हम प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के धन्यवाद। ये घरवा में रहते डुबरी में निकले ढूके ले भी बरसात में मैंने कादो पिछड़ हो गया मकान तो बना दिलक हमारे मुख्यमंत्री पक्का घर तो पक्का घर बना लो मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री के मैंने धन्यवाद हम करें। हमारा जो पंचायत है वो खुले में शौच मुक्त हो चुका है। अब हमारे राज्य में 1.5 लाख शौचालयों का निर्माण सखी मंडलों के द्वारा हो चुका है। 30,000 महिलाओं को रानी मिशन का प्रशिक्षण मिला है जो कि शौचालय निर्माण में कार्य कर रही हैं। हमारे गांव से एक और जहां गंदगी दूर हो रही है दूसरी ओर हमारे गांव में खुशहाली आ रही है। महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। पहले पूर्वज लोग हम लोग के जंगल से मधुमक्खी नाम रहे थे जो अथी बड़ा बड़ा छत्ता वाला भौंरा वाला गारू प्रखंड से मधु निकलने लगा तब ये कहा किया कि मुख्यमंत्री सरकार लोग हम लोग के बक्सा दिया और बक्सा देने पर 300 दीदी मिल के हम लोग प्रॉपर्टी बनाए हैं। सबके घर ठीक ठाक चल रहा है। मीठी क्रांति के लिए रघुवर सरकार को धन्यवाद। बहुत से ऐसे परेशानी था कि बच्चों ढंग से पढ़ नहीं पाते थे। दिया से जो मिट्टी तेल जला के दिया से पढ़ते थे तो लोग बच्चा तंग आ जाते थे कि ठीक से दिखता नहीं है। गरीबी के कारण मेरा मतलब बिजली नहीं लगा पा रहे थे। सौभाग्य योजना के तहत हमारे घर में बिजली लग गई। इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अब जिनके दिशा निर्देश में झारखंड में योजनाएं फलीभूत हो रही हैं, जी हाँ, समर्पण भाव से कार्य कर रहे आत्मविश्वास से लबरेज माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ आज के अवसर पर आपके बहुमूल्य विचारों के लिए। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। भारत के गौरव और गांव गरीब किसान नौजवान महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दिन रात सोचने वाले भारत के
लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, झारखंड की माननीय राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री आर के सिंह जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी, केंद्रीय राज्य जनजाति मामले के मंत्री श्री सुदर्शन भगत जी, हमारे मंत्रिपरिषद के सहयोगी मंत्री श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, श्री अमर कुमार बावरी जी, धनबाद के सांसद श्री पीएन सिंह जी, मंच पर विराजमान सिंदरी के विधायक श्री फूलचंद मंडल जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधिगण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायकगण, भारत सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे राज्य के मुख्य सचिव और कोने कोने से आए हमारे सभी बहनों, भाइयों और मीडिया के साथियों, आज झारखंड के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों और गौरव का क्षण है। आज मैं अपने मन से बड़े गौरव का भाव लेकर बोल रहा हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सुशासन और विकास के 4 साल पूरे कर लिए। इस शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी खास तौर पर झारखंड को 30,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को सौगात देने यहाँ पधारे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पर राज्य की 3.25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूँ। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप जोरदार ढंग से खड़े होकर करतल ध्वनि से ये विकास की ताली पूरे देश में गूंजे, ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। साथ ही साथ झारखंड की जनता ईश्वर से कामना करती है कि आप दीर्घायु हो और सदैव देश की सेवा करते रहें। हम सभी जानते हैं कि झारखंड के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का खास लगाव रहा। वो गरीबों, दलितों, आदिवासियों और समाज के हर तबके के दर्द को समझते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष को याद करते हुए अधिक किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से भगवान बिरसा मुंडा का नाम याद किया था तो वे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी के 4 साल के कार्य में दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज कोई भी भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। आज किसी की ताकत नहीं है कि भारत की ओर आंख उठाकर देखे। जिसने भी ये गलती की उसे पीछे हटना पड़ा और उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। ये है मोदी सरकार। अमेरिका और इजराइल के बाद भारत ही एकमात्र देश है जो दूसरे देश की सीमा में घुसकर अपने दुश्मनों को जवाब देना जानता है। जब मौका पड़ा तो पाकिस्तान की सरजमी पर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश के सैनिकों ने की है। प्रधानमंत्री जी के बारे में पूरी देश की सोच है कि वे वो व्यक्ति है जिसको भारत को अरसे से प्रतीक्षा थी। आज हर हिंदुस्तानी सिर गर्व से हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा है और पूरी दुनिया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को सहारा रही है। आज हर हिंदुस्तानी गर्व से कहता है नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। मोदी सरकार की नीतियों का ही फल है कि आज हम दुनिया भर में एक आर्थिक ताकत बन चुके हैं। झारखंड के लोगों से प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था वो एक एक वादा पूरा कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जीवन का एक ही लक्ष्य है 1.25 करोड़ भारतीयों की सेवा। उनका संकल्प है हर भारतीय को सम्मान भरी जिंदगी मिले। पिछले 4 साल से भारत विकास के पथ पर सरपट दौड़ रहा। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नीतियां और कड़ी मेहनत के कारण ही संभव हो सका।
साथियों, आज पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम भारत तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, समाज का कोई तबका या कोई कोना ऐसा नहीं है जहां विकास की किरण ना पहुंची हो। हम किसी के तुष्टिकरण में नहीं बल्कि सबका साथ सबका विकास में यकीन रखते हैं। पिछले 4 वर्षों में भारत को जोड़ने की क्रांति हुई है, जिसके अंतर राजमार्ग, सड़कों, वायुवन और रेल मार्गों को जोड़ा गया। आज भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक जाना बेहद सुगम हो गया। यह हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है, जिसके चलते करोड़ों माँ बहनों को धुएं की घूंटन भरी जिंदगी से छुटकारा मिला। हमारी वो गरीब माँ बहन जिनके बारे में आजादी के बाद से किसी भी सरकार ने नहीं सोचा था, लेकिन मोदी जी ने न सिर्फ इस बारे में सोचा बल्कि इसे धरातल पर भी उतारा। आज देश में करोड़ों महिलाएं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को कौन भूल सकता है। एक तो गरीबी वैसे भी अभिशाप होती है, और ऐसे में अगर गरीब बीमार पड़ जाए तो इलाज के खर्च से उनकी कमर टूट जाती है। पहली बार केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है। इसके जरिए अब गरीबों को विश्व स्तरीय इलाज होगा, वह भी बिल्कुल मुफ्त। माननीय प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत झारखंड के 68 लाख में से 57 लाख गरीब परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। मोदी सरकार के पहले 67 साल की आजादी में झारखंड में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज थे। मोदी सरकार बनने के बाद झारखंड में 5 मेडिकल कॉलेज बने हैं, 3 पूर्ण होने वाले हैं और 2 चाईबासा और कोडरमा टेंडर की प्रक्रिया में। उसी तरह उच्च एवं तकनीकी क्षेत्र में पिछले 3.5 साल में 10 नई यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, जिनमें 5 निजी और 5 सरकारी विश्वविद्यालय। 67 साल में झारखंड में मात्र 5 यूनिवर्सिटी स्थापित थी। झारखंड में क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और वंश की राजनीति बहुत होती है। इसी बलियापुर की धरती में से स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो झारखंड आंदोलन के जुड़े नेता थे। शिक्षा के क्षेत्र में विनोद बिहारी महतो जी का बहुमूल्य योगदान है। हमारी सरकार ने महतो जी के नाम पर धनबाद में विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय स्थापित किया है। आज हम ये पूछना चाहते हैं कि महतो जी के नाम पर राजनीति करने वाले जब सत्ता में थे तो हमारे इन आंदोलनकारी शहीद को क्यों भूल गए। माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड को कितना स्नेह करते हैं, इसी बात से समझा जा सकता है कि झारखंड में बीजेपी सरकार बनने से पहले 2013-14 में केंद्र ने राज्य को 4,064 करोड़ रुपए अनुदान दिया, जबकि मोदी सरकार ने 14-15 में राशि 82% बढ़कर 7,392 करोड़ रुपया कर दी गई। यह राशि बढ़ते हुए आज 17-18 में 13,400 करोड़ रुपये हो गई है, जो कांग्रेस सरकार की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। यह है प्रधानमंत्री जी की झारखंड की जनता के साथ स्नेह। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी अपना वादा निभाने भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पे आए। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव प्रचार के दौरान आपने कहा था झारखंड में कोयले का भंडार है, फिर यहां अंधेरा क्यों। बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही जो आपके विजन थे, उस विजन के तहत ही आज पतरातू के पावर प्लांट की स्थापना कर माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों ये वादा पूरा हो रही है। सौभाग्य योजना के तहत 2018 तक झारखंड के हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है, और सिंदरी का खाद कारखाना विगत 16 वर्षों से बंद था, चुनाव के समय भी वादा था और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो वादा पूरा कर रहे हैं। जहां तक रोजगार की बात है, सारे बातें वीडियो क्लिप में बता दी गई है, इसलिए मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। सार्वजनिक उपक्रम में भी इन 3 वर्षों के अंदर 10,000 लोगों को नौकरी दी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है भारत खुले में शौच से मुक्त हो 2 अक्टूबर 2019 को,
झारखंड सरकार ने 3.25 करोड़ जनता और अपनी महिलाओं सखी मंडल के सहयोग से लक्ष्य 2 अक्टूबर 2018 को ही पूरा करेंगे, ये आश्वस्त मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अक्सर कहते हैं झारखंड प्राकृतिक से संसाधन भरा प्रदेश, मानव संसाधन बल है, भू संपदा है, कोई कारण नहीं कि झारखंड आने वाले समय में देश नहीं दुनिया की विकसित राष्ट्र की बराबरी में करे, और इस दिशा में आपके मार्गदर्शन में झारखंड चल पड़ी है। आने वाले कुछ वर्षों के बाद जो आपका ये सपना है, झारखंड देश के राज्यों से नहीं बल्कि दुनिया के समृद्ध राज्य की प्रतिष्ठा के प्रतिस्पर्धा में भाग ले, तो झारखंड निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त करेगी। और इस दिशा में लगातार आज देश का गुजरात के बाद दूसरा आर्थिक विकास वाला दर झारखंड प्रदेश बना। इसी तरह झारखंड में हम अपने बच्चों का, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ के आया, मैं भी बोरा लेके जाता था। जब हम मुख्यमंत्री बने हमने शिक्षा विभाग का रिव्यू की, 31,807 स्कूल में मात्र 67 साल की आज़ादी में 7,000 स्कूल में ही बेंच डेस्क थे। इन 4 वर्षों के अंदर 31,000 स्कूल में बेंच डेस्क और बिजली कनेक्शन पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर दी। पानी की जो बड़ी समस्या, देश का पहला प्रधानमंत्री जी जिन्होंने ये जो कोयला उत्खनन आ रहा है, उत्खनन में जहां उस जिले के विकास के लिए 30% रॉयल्टी उस विकास में खर्च हो, झारखंड सरकार ने तय की कि ये 30% उस जिले का हम शुद्ध पेयजल में खर्च करें, और इस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राज्य सरकार को हर साल 1,000 करोड़ रुपये आ रहे हैं, और 1,000 रुपया हम अपनी बहनों को जो पानी की समस्या को जानते हैं, हम घर घर पाइपलाइन से पानी देने का काम कर रहे हैं। इसी तरह जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर अनुसूचित जाति परिवार के लिए ग्राम अभियान स्वराज अभियान की शुरुआत की थी, उसी तरह हमारी सरकार भी आपसे प्रेरणा लेकर अमर शहीद सिद्धू कानू द्वारा शुरू गए हूल दिवस 30 जून से 500 की आबादी आदिवासी गांव में केंद्र सरकार का फेलोशिप योजना हम लागू करेंगे 100%, ये आश्वस्त करना चाहते हैं। उसी तरह आपकी सोच है जन भागीदारी, और इस जन भागीदारी झारखंड सरकार इंप्लीमेंट कर रही है। हम आदिवासी गांव में आदिवासी विकास समिति जहां मिक्स है वहां ग्राम विकास समिति बनाकर ये जो छोटी छोटी योजना डोबा छोटा तालाब चेक डैम बोरा बांध, ये सीधे हम गांव वाले को पैसा देने जा रहे हैं ताकि हमारा गांव समृद्धशाली बन सके। अंत में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के को फिर से धन्यवाद देते हुए आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस सोच के साथ झारखंड की स्थापना की थी और उस सोच को पूरा करने में आप दिन रात लगे हुए हैं, तो झारखंड की 3.25 करोड़ जनता विकास के साथ है, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कानू और 3.25 करोड़ जनता का झारखंड बनाने के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुमूल्य विचारों के लिए, संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम पत्रातू के लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं ताकि वे सभी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन सकें। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूं कि अपने कर कमलों द्वारा बटन दबाकर 18,668 करोड़ रुपए की लागत से पत्रातू थर्मल पावर प्रोजेक्ट फेज 1 की आधारशिला रखें। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। पहले चरण में 18,668 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की 3 इकाइयां विकसित की जाएंगी। बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब इस परियोजना पर आधारित एक ऑडियो विजुअल पर हम नजर डालते हैं। यहाँ के जन जन में ऊर्जा पैदा करने वाली एक नई ताकत के रूप में यहाँ आई है। हिंदुस्तान में जहां जहां अंधेरा है, उस अंधेरे को हटाने का काम भी ये झारखंड की धरती से होगा।
माननीय प्रधानमंत्री के हर गांव हर घर को बिजली द्वारा रोशन करने के उद्देश्य के तहत एनटीपीसी एवं झारखंड सरकार द्वारा पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। इसकी कुल क्षमता 5x800 मेगावाट यानी 4000 मेगावाट की होगी, जो कि दो चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में 3x800 मेगावाट यानी 2400 मेगावाट का कार्य आदेश दिया जा चुका है और पुराने प्लांट के स्थान पर दूसरे चरण में 2x800 मेगावाट यानी 1600 मेगावाट की स्थापना की जाएगी। पहले चरण के प्लांट से विद्युत का उत्पादन मार्च 2022 से शुरू होगा, जो कि झारखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने में मील का पत्थर साबित होगा। और अब 250 जन औषधि केंद्र खोलने हेतु झारखंड सरकार के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण तथा फार्मास्यूटिकल विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के बीच एमओयू के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रही हूं प्रधान सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण श्रीमती निधि खरे एवं श्री सचिन सिंह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बीपीपीआई को एमओयू पर हस्ताक्षर एवं आदान प्रदान के लिए। तालियां होनी चाहिए जोरदार। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में 250 जन औषधि केंद्र खोलने हेतु ये एमओयू। और इसके बाद अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूँ सीसीएल के विभिन्न प्रोजेक्ट के प्रभावित लोगों के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान करें। सबसे पहले मंच पर आएंगी ज्योति कुमारी। तालियां आपकी तरफ से जरूर हूं। नियुक्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा। इनके बाद रितेश उरांव। तालियां आपकी तरफ से हूं। बाबूराम मांझी। सुनील कुमार पासवान। इनके बाद तालियां आपकी तरफ से हर बार हूं। आफताब आलम, ये पांचवा नाम आफताब आलम। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और इसके बाद पुस्तिका के लोकार्पण के लिए सादर आग्रह। झारखंड सरकार की विकास योजनाओं के फलस्वरूप मिली उपलब्धियों को समाहित करते हुए एक पुस्तिका तैयार की गई है। मैं निवेदन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से इस पुस्तिका का लोकार्पण करें। ये पुस्तिका, जोरदार तालियां आपकी तरफ से, झारखंड सरकार की विकास योजनाओं के फलस्वरूप मिली। ये पुस्तिका का लोकार्पण इस समय सभी उपलब्धियों को समाहित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मंचासीन हमारे सभी आदरणीय अतिथिगण। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, आप आए और माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि आए, जिस तरह आप देश और राज्य के विकास कर रहे हैं, आपको भगवान और शक्ति दे, हमारी जनता को भी शक्ति मिले। संबोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। जोहार,
मंच पर विराजमान झारखंड के राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान आर के सिंह जी, अश्विनी जी, सुदर्शन भगत जी, झारखंड सरकार में मंत्री श्री अमर कुमार जी, रामचंद्र जी, हमारे सांसद श्रीमान पीएन सिंह जी, विधायक भाई फूलचंद जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा की इस वीर धरा को नमन करता हूं। ये धरती त्याग और बलिदान की धरती है। ये जयपाल सिंह मुंडा जी के संघर्ष की भूमि है और ये अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों की भी भूमि है। यहां का खनिज भंडार, कोयले की खाने देश के विकास के इंजन के रूप में एक ऊर्जा देने का काम कर रही है। मुझे बताया गया कि आप लोग दो तो तीन तीन घंटे से आकर के बैठे हैं, इतनी बड़ी मात्रा में आकर के गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया, आपने आशीर्वाद दिए। मैं आपके इस प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। जब चुनाव के समय मैं झारखंड में आया था तो मैं झारखंड के लिए कहा करता था कि झारखंड को विकास के लिए डबल इंजन की जरूरत है, एक रांची वाला और दूसरा दिल्ली वाला, और आपने चार साल में देख लिया जब दोनों सरकारें मिलकर के एक ही दिशा में सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर के चलती है, लक्ष्य निर्धारित करती है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती है, तो विकास के कैसे परिणाम प्राप्त होते हैं वो झारखंड की जनता ने भली भांति अनुभव किया है। मुझे विश्वास है जब हम सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, हमारा रास्ता सही है कि नहीं है, हमारा इरादा नेक है कि नहीं है, हम लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका मानदंड एक ही होता है लोकतंत्र में और वो होता है जन समर्थन का। मैं झारखंड सरकार को, मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि पिछले दिनों जब यहां
स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए और झारखंड की जनता ने जो भारी जन समर्थन दिया वो झारखंड सरकार के और दिल्ली सरकार के कार्यों के प्रति जन सामान्य का भाव क्या है उसे प्रकट करता है। भाइयों बहनों, मैं जब यहां 2014 में चुनाव में आया था तब मैंने कहा था कि झारखंड मुझे जो प्यार दे रहा है मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा और विकास करके लौटाऊंगा। और आज आप एक के बाद एक हमने जो कदम उठाए हैं उससे ये साफ नजर आ रहा है कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार झारखंड के विकास के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, मेरे आदिवासी भाई बहन हो, महिलाएं हो, युवा हो, हर किसी के कल्याण के लिए एक के बाद एक विस्तृत योजनाओं के साथ हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज करीब करीब 27,000 करोड़ रुपए ये राज्य सरकारों के बजट से भी बहुत बड़ा अमाउंट है। 27,000 करोड़ रुपए के 5 बड़े प्रोजेक्ट इसका झारखंड की धरती पर शिलान्यास हो रहा है। सिंदरी में खाद का कारखाना, पतरातू का पावर प्रोजेक्ट, बाबा भोलेनाथ की नगरी, देवघर में एयरपोर्ट और एम्स और रांची में पाइपलाइन से गैस पहुंचाने का प्रोजेक्ट, एक साथ 27,000 करोड़ रुपए का काम आज झारखंड की धरती पर शिलान्यास हो रहा है। करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए के और काम जो निर्धारित है, 50 से अधिक काम चल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि झारखंड देश के अन्य राज्यों की तुलना में कितना आगे पहुंच जाएगा। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि झारखंड की जनता हीरे पर बैठी हुई है, डायमंड पर बैठी हुई है। काला हीरा, ब्लैक डायमंड, यह हमारा कोयला, वो भले काले रंग में रंगा हो लेकिन उजाला फैलाने की उसकी ताकत है, रोशनी पैदा करने की ताकत है, ऊर्जा से भर देने की ताकत है। और उसी को ध्यान में रखते हुए 18,000 करोड़ रुपयों से अधिक की लागत से यहां पर पतरातू में आज पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। यहीं का कोयला, यहीं का पावर, ये झारखंड की आर्थिक ताकत तो बनेगा ही, ये झारखंड के नौजवानों को रोजगार भी देगा और विकास के नए द्वार खोलने का काम आज ये पतरातू तो पावर प्लांट से शुरू हो रहा है। कोयला खदानों से जो विस्थापित हुए उनके परिवारजनों को रोजगार मिले,
उन परिवारजनों का चिंता की जाए। मुझे खुशी है कि आज कुछ नौजवानों को मुझे उनके रोजगार के पत्र देने का भी अवसर मिला और आने वाले दिनों में हजारों नौजवानों के लिए ये रोजगार के अवसर इसके उपलब्ध होने वाले हैं। हमारा सपना था कि हिंदुस्तान के हर गांव में बिजली पहुंचाने का। 2014 में जब मैंने कार्यभार संभाला, इस देश के 18,000 गांव ऐसे थे जहां पर सदियों बीत गए, जिंदगी अंधेरे के बाहर नहीं निकल पाई थी, बिजली देखी नहीं थी, बिजली का खंभा नहीं देखा था, बिजली का तार नहीं आया था, बिजली का लट्टू नहीं देखा। इन हजारों गांवों को रोशनी देने का काम हमने बीड़ा उठाया। ये दुर्गम जगहें थी, उपेक्षित जगहें थी, वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोगों को उपेक्षित लोगों की परवाह नहीं होती है, वो सिर्फ अपने वोट बैंक की ही चिंता देखभाल करने के आदि होते हैं। हम सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के चलने वाले लोग हैं और इसलिए 18,000 गांवों में बिजली पहुंचनी चाहिए। कितना ही दुर्गम क्यों ना हो, पहाड़ की चोटियों पर क्यों ना हो, घने जंगलों में क्यों ना हो, तार पहुंचाने के लिए हजारों लाखों रुपया खर्च क्यों ना लग जाए, लेकिन एक बार देश में हर गांव को बिजली पहुंचाना है। और मुझे खुशी है कि तय समय सीमा के पहले 18,000 गांवों में बिजली पहुंचा दी। इस देश में पहले कभी किसी को फुर्सत नहीं थी कि जाकर के पूछे कि आजादी के 50-60 साल के बाद भी कितने गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची, लेकिन एक बार हमने बीड़ा उठाया तो आज लोग गांव गांव जाकर के देख रहे हैं कि मोदी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। मैं इसे अच्छा मानता हूं। जिन 18,000 गांव की ओर किसी को देखने की पहले फुर्सत नहीं थी, आज लोगों को कैमरा लेकर के उन गांवों की धूल चाटने के लिए जाना पड़ रहा है, इससे बढ़कर के खुशी की नौबत क्या हो सकती है। और उससे सरकारी बाबू भी चौकन्ने रहते हैं, उनको भी लगता है कि बोला है तो पूरा करके ही रहना पड़ेगा और उसी के कारण काम बढ़ रहा है। दबाव पैदा होता है जब घोषणा करके काम करते हैं, तो दबाव पैदा होता है। जब हम 18,000 गांव की बात करते थे तो कुछ लोग देश को गुमराह करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन गांव में खंभा लग गया, तार लग गया, 5-25 घरों में बिजली पहुंच गई, ये कोई काम हुआ है क्या? उनका ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे सवाल करने वालों को पता होना चाहिए कि आजादी के 70 साल के बाद इस देश में 20% से ज्यादा घर ऐसे हैं, करीब 4 करोड़ घर ऐसे हैं जहां आजादी के 70 साल के बाद भी न बिजली का तार पहुंचा है, न बिजली का लट्टू लगा है, न उन परिवारों ने कभी रोशनी देखी है। लेकिन ये मोदी ने आकर के किसी के घर में बिजली थी और काट दिया, ऐसा नहीं है। ये उन्हीं लोगों का पाप था
कि जिसके कारण 60 साल तक इन लोगों को अंधेरे की जिंदगी गुजारनी पड़ी। हमने तो जिम्मेवारी उठाई है कि हम आने वाले निर्धारित समय में जैसे 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा किया, सौभाग्य योजना से 4 करोड़ घरों में भी बिजली पहुंचा करके ही दम लेंगे, ये हमने बीड़ा उठाया। जो लोग सुबह शाम अमीरों को याद किए बिना सो नहीं पाते हैं, जिन लोगों को अमीरों को गाली देकर के अपनी गरीबों की भक्ति दिखाने का शौक लगता है, फैशन हो गई है, वो दिन रात कहते हैं कि मोदी अमीरों के लिए काम करता है। जिन 18,000 गांवों में बिजली पहुंची वहां कौन अमीर रहता है, मैं जरा ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूं। जिन 4 करोड़ घरों में आज भी अंधेरा है, जहां मोदी बिजली पहुंचाने के लिए दिन रात लगा है, उन 4 करोड़ घरों में कौन अमीर मां बाप का बेटा रहता है, मैं जरा इन नामदारों से पूछना चाहता हूं जो कामदारों की पीड़ा नहीं जानते। और इसलिए भाइयों बहनों मैं कहना चाहता हूं, हम समाज के आखिर इंसान दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उसे हम विकास की यात्रा में जोड़ना चाहते। झारखंड में भी इन 4 करोड़ परिवारों में 32 लाख परिवार झारखंड में, और मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने भी भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के समय सीमा में इन 32 लाख घरों में भी बिजली पहुंचाने का बीड़ा उठाया है और सफल हो के रहेगा, ये मेरा विश्वास है। भाइयों बहनों, आज मुझे सिंदरी में यूरिया का कारखाना फिर से आरंभ करने का अवसर मिल रहा है। करीब 16 साल ये कारखाना बंद रहा, लेकिन ये वो कारखाना है भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब केंद्र सरकार में मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इस सिंदरी के इस यूरिया के कारखाने का शिलान्यास किया था, बाद में वो बंद हो गया। और मैंने 2014 के चुनाव में आपको कहा था कि झारखंड का ये सिंदरी का हो कारखाना, हम उसको चालू करेंगे। भाइयों बहनों, समय के साथ टेक्नोलॉजी बदलनी चाहिए, वो बदली नहीं। हमने गैस के आधार पर काम करने की दिशा में कदम उठाए और आने वाले कुछ समय में ये कारखाना भी चालू हो जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में भी ऐसा ही एक कारखाना शुरू हो जाएगा। भाइयों बहनों, सिंदरी और धनबाद एक प्रकार से एंकर सिटी के ध्रुव की तरह बढ़ सकते हैं, प्रगति की भारी संभावनाएं उसके पर पड़ी हुई है। भाइयों बहनों, ये यूरिया के कारखाने जिनको आसानी से गैस मिलेगा, बिहार का बरौनी हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर हो या झारखंड का सिंदरी हो,
यूरिया के इन तीनों कारखाने शुरू होंगे तो पूर्वी भारत में दूर दूर से जो यूरिया ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ता है वो खर्चा कम हो जाएगा, यहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा और यूरिया प्राप्त होने आसानी से होने के कारण देश की दूसरी कृषि क्रांति जो पूर्वी भारत में होने वाली है उसके लिए बहुत बड़ा सहायक होने वाला है और उस काम को भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने नीम कोटिंग यूरिया का काम शुरू किया। पहले किसानों के नाम पर सब्सिडी जाती थी, यूरिया खेत में नहीं पहुंचता था, अमीरों के कारखानों में पहुंच जाता था और जो नामदार अमीरों की सेवा में 70 साल सरकारें चलाई है उन्होंने कभी सोचा नहीं कि यूरिया चोरी होकर के केमिकल के कारखानों में चला जाता है, सरकारी खजाने से हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी चली जाती है। ये यूरिया रोकने का रास्ता खोजना चाहिए। हमने आकर के 100% यूरिया का नीम कोटिंग कर दिया। नीम की जो फली होती है उसके तेल लगाने से अब यूरिया चोरी नहीं हो सकता, यूरिया किसी कारखाने में काम नहीं आ सकता, यूरिया सिर्फ और सिर्फ खेती के ही काम आ सकता है और उसके कारण चोरी बंद हो गई। अमीरों के लिए जीने मरने वाले लोग, अब ये चोरी बंद हो गई उसके कारण परेशान है, लेकिन मेरा किसान उसके हक के यूरिया के लिए अब उसको कतार में खड़े रहने नहीं पड़ता है, ब्लैक में यूरिया लाना नहीं पड़ता है। यूरिया पाने के लिए कभी बोरिस की लाठियां खानी पड़ती थी, उससे वो बच गया है। आज 2 साल हो गए हिंदुस्तान में यूरिया नहीं है, ऐसी एक आवाज नहीं उठी है, क्योंकि चोरी बंद हमने कर दी है। भाइयों बहनों, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला इंसान, बेईमानी के खिलाफ लड़ने वाला इंसान और एक के बाद एक कदम उसी से जुड़े हुए। आज मुझे रांची में घर घर में पाइपलाइन से गैस पहुंचाने के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करने का अवसर मिला है। 21वीं सदी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो जिसमें गैस ग्रिड हो, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो, पानी की ग्रिड हो, बिजली की ग्रिड हो, हर प्रकार की आधुनिक व्यवस्थाएं हो। क्या कारण है कि मेरा झारखंड पीछे रह जाए और इसलिए हिंदुस्तान में तेज गति से आगे बढ़ने वाले शहरों की बराबरी अब रांची भी करने लग जाएगा, ये सपना देख करके ये गैस ग्रिड का काम हमने उठाया। घर घर में गैस पहुंचेगा और आगे जाकर के ये गैस यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम करीब 70 जिलों में पाइपलाइन से गैस पहुंचने वाला है। आप कल्पना कर सकते हैं, धुएं से मुक्त रसोई बदल घर, ये जो हमारा सपना था उसको पूरा करने में हमने उज्ज्वला योजना चलाई। अब दूसरा कदम है पाइपलाइन से गैस पहुंचाना और एक तीसरे पर काम चल रहा है क्लीन कुकिंग का, सोलर एनर्जी वाले चूल्हे, ताकि गरीब को सूर्य शक्ति से ही खाना पक जाए, उसको ईंधन का खर्चा भी ना आ जाए, उस दिशा में भी शोध कार्य चल रहे हैं। आज मुझे यहां देवघर में एम्स के निर्माण का भी शिलान्यास करने का अवसर मिला। सारे पूर्वी भारत से बहुत बड़ी मात्रा में मरीज को दिल्ली एम्स तक पहुंचना पड़ता है, गरीब के पास पैसे नहीं होते, दिक्कतें होती। हमने पूर्वी भारत में एम्स का जाल बिछा करके देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को अच्छे से अच्छी सुविधा मिले, उस दिशा में काम आरंभ किया है।
और उसी के द्वारा आज देवघर में एम्स का प्रारंभ हो रहा, शिलान्यास हो रहा। उसी प्रकार से देवघर एक तीर्थ क्षेत्र है, बाबा भोलेनाथ की धरती है, ये शक्तिपीठ भी है। देश भर के यात्री यहां आना चाहते हैं, टूरिज्म के लिए भरपूर संभावना है और इसलिए उसको एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी में उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। पर्यटन मंत्रालय भी इस काम को कर रहा है और हमारा सपना है हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में जाए, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में जाए, ये हमारा सपना है। और आपको जानकर के खुशी होगी, पिछले वर्ष रेलवे के एसी डिब्बे में सफर करने वालों से ज्यादा हवाई जहाज में सफर करने वालों की संख्या निकली है। ये बताता है कि देश किस प्रकार से सामान्य व्यक्ति की जिंदगी के साथ बदलाव ला रहा है। भाइयों बहनों, विकास के अनेक प्रोजेक्ट लेकर के आज जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तब 2022 तक गरीब को घर देने का सपना है। और घर भी, शौचालय भी हो, जल भी हो, बिजली भी हो और बच्चों के लिए नजदीक में पढ़ने की सुविधा भी हो, ऐसे घर की योजना बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। 2022 आजादी के 75 साल हो, देश में कोई गरीब बिना घर न हो, ये सपना लेकर के हम चल रहे हैं। भाइयों बहनों, मेरा आपसे आग्रह है, हम विकास की यात्रा में भागीदार बने। आज देश ईमानदारी की ओर चल पड़ा है और हिंदुस्तान का सामान्य मानवी ईमानदारी से जीता है, ईमानदारी के लिए जूझता है और ये सरकार उन सामान्य लोगों के साथ खड़ी है जो ईमानदारी के लिए जीते हैं, ईमानदारी के लिए जूझते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आपके सपने को पूरा करने के लिए एक अहम जिम्मेवारी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में आकर के आपने आशीर्वाद दिए, इतने बड़े कार्यक्रमों के बीच आज झारखंड एक नई ऊंचाइयों पर, नए झारखंड की ओर आगे बढ़ेगा, इस विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के लिए बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और आप स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर आग्रह होगा माननीय प्रधानमंत्री जी।